सांबर स्थित जादू कृषि फार्म में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रणजीत चौधरी और शंकर नारोलिया ने शिरकत की। सांबर पहुंचे दोनों नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश की, मगर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का टोटा देखने को मिला। फुलेरा विधानसभा में ब्लॉक स्तर पर भी सदस्यता की कमी नजर आई। कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम देखने को मिली। इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास फुलेरा विधानसभा सीट से ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर विधानसभा चुनाव में डटकर भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे सके। पिछले विधानसभा चुनाव में स्पर्धा चौधरी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से टिकट मिला था। पहली बार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने स्पर्धा चौधरी के चेहरे पर 9000 से ज्यादा वोट लिए और एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी छवि बनाई। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई दावेदार अभी तक सामने नहीं आ पाया है जो भाजपा और कांग्रेस के सामने आरएलपी पार्टी को मजबूती से खड़ा रख सके। पार्टी से आए दोनों नेता के कार्यकर्ताओं में जोश जरूर जगाया है, परंतु स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत नेता नहीं होने से अब देखना होगा कि आरएलपी के कार्यकर्ताओं में जोश कब तक दिखाई देगा। जहां पे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस नेता जी एक बात कहकर आपस में मिले हुए, जहां कोई नहीं है, आप कहीं भी फर्स्ट फेज में अगर सबसे सामने पहले कोई झंडा लेके कोई मिलेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। किसान आंदोलन की बात कर लो, किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, एमएसपी कानून लागू हो, ये हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट, उसी की वजह से सत्ता में आई। लेकिन कोई एक भी कोई विधायक एमपी कोई आके बस केवल ट्वीट कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करने वाले। एकमात्र देश का एक ऐसा सांसद माननीय सांसद साहब थे हनुमान जी बेनीवाल साहब थे, जो डेढ़ से दो महीने तक सांजापुर बॉर्डर वहां जमे रहे और रोड को जाम किया। पहली बार एनएच 28 जाम रहा। तो ये और भी कई आम मामले ले लो भाई, राजस्थान में अगर एक सुशासन की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। सर आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उनके ऊपर जो कितनी विधानसभाओं के उम्मीदवार उतरेंगे? अभी तक नेताजी ने यही स्टैंड क्लियर किया कि हम 200 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। पिछली बार का समय कम था, जैसे डेढ़ महीने से कम समय था जो सिंबल अलॉट हुआ, नई पार्टी बनी, फिर भी 57 सीटों पर चुनाव लड़ाया, 3 विधायक बने, सांसद साहब खुद लोकसभा पहुंचे और उपचुनाव का रिजल्ट देख लो आप। पहले खींवसर का मंडावा का चुनाव हुआ, खींवसर सीट जीते, फिर सरदार सर मान लो, वल्लभ नगर का मान लो, दोनों जगह आपको आपके सामने है कि किस प्रकार से लोगों ने एक उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति भरोसा जताया है। तो 57 उम्मीदवार तो 1.5 महीने में लड़ाती है, तो 200 सीटों में चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी में किसी प्रकार की ऐसे नहीं कि कोई कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेटों की पूरी बड़ी